अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? खैरियत से हैं? और बताएं कैसे चल रही है आपकी लाइफ? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो ओके, आज आपसे ये बात शेयर करना चाहूँगी कि एक्चुअली कुछ लोग आपने इस तरह के अपने माहौल में देखे होंगे जो कि किसी भी रिश्ते को कोई नाम ना देकर देना चाहते होंगे। जैसे कि अगर उनका कोई दोस्त है तो वो ये नहीं शोमेंट करते या सोचते कि हम इसे दोस्त बोलें या इसे दोस्ती करें, या किसी से प्यार करते हो तो बोलें, ये चाहत करते हों, या कुछ इस तरह से। कुछ लोग होते हैं जो कि फौरी तौर पे अपने दिल की फीलिंग्स जो हैं वो शेयर करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिल में रखते हैं, शेयर करते नहीं हैं उसकी खुशी के लिए। तो अगर तो उसे फील हो जाए तो वेल, ना हो तो बस अपने दिल ही दिल में रखते, अगर मौका आए तो बताने की कोशिश करते, नहीं तो उनकी कोशिश होती है सामने वाला जिसके लिए हमारे दिल में फीलिंग्स हैं वो खुद ही समझे। पता है क्या, उन्हें ये आस उम्मीद होती है कि अगर हमने इसे अपना दोस्त बोला या अपना प्यार के लिए बोला कि हम आपसे प्यार करते हैं या चाहत करते हैं, तो मैं समझती हूँ उन्हें ऐसा लगता है कि हम अगर इन्हें ये बात अपने दिल का हाल बताएंगे तो हो सकता है ये हमारी बात को मना कर दें, या हमें किसी बात के लिए मना कर दें, या हमारा मान या हमारी दोस्ती या इस चीज़ को कामयाब ना कर सके, इन चीज़ों में हमारा साथ ना दे सके, साथ चल ना सके, तो किसी बात को पूरा ना कर सके, तो हमारे दिल का मान और हमारे जो भी दिल की वो है इनके लिए उम्मीद वो टूट जाएगी। तो इसलिए कुछ लोग बताते ही नहीं हैं, वो बस सामने वाले को देखते हैं कि ये क्या करना चाहता है हमारे लिए और किस हद तक जा सकता है और क्या करता है। कुछ लोग ऐसे होते बताते नहीं, और ऐसे लोगों का प्लीज़ मैं आपको यही कहूँगी कि ऐसे लोग जो होते हैं वो दिल ही दिल में फीलिंग्स रखते हैं, ऐसे लोगों से उनके दिल का हाल पूछना चाहिए, उनको उनके हाल पे नहीं छोड़ना चाहिए। और अगर आपके दिल में उनके लिए कुछ हो तो उन्हें बता देना चाहिए, अगर ना हो तो फिर भी उन्हें बता देना चाहिए, ताकि वो टाइम पे टाइम से आपसे दूर या आपसे दूर होने की कोशिश कर सके, ना कि वो दिल ही दिल में बहुत हद तक बहुत दूर तक आपके साथ चले जाएं, जहाँ से उन्हें वापस आने में भी तकलीफ़ हो और आपका कुछ भी ना जाए। तो सो प्लीज़, जहाँ जहाँ से मुझे देखा सुना जा रहा है, मैं आपसे यही बात शेयर करना चाहूँगी कि ऐसे लोगों को फील किया करें, उनके फीलिंग्स को भी, और अगर दिल में कुछ हो तो बताया करें, नहीं तो उन्हें साफ़ मना कर दिया करें। क्यों? क्योंकि साफ़ मना करने से क्या होता है, कुछ टाइम के लिए, कुछ देर के लिए हम उसकी नज़र में बुरे बनेंगे, उससे बुरा लगेगा, लेकिन कुछ ही टाइम के बाद उसे सब्र आ जाएगा, उसे वो हमारी बात बुरी नहीं लगेगी। और वो बात बुरी भी कौन सी होती है या उन्हें लगेगी कि जिसमें किसी की ज़िंदगी हम उसे वापस दे रहे हैं, या हम उसे खुद के लिए कोई उम्मीद नहीं दे रहे, खुद के लिए रोक नहीं रहे। अगर हमने साथ नहीं चलना तो फिर हम उसे खुद के लिए रोके क्यों? देखे किसी के दिल में घर करके उस घर को तोड़ना ये अच्छी चीज़ नहीं है। जब आपको लगे कि कोई आपके लिए ऐसा सोच रहा है, आप उसके लिए सीरियस नहीं हैं, उसके लिए कुछ नहीं सोच रहे, तो बात ही बात में या स्टेप फॉरवर्ड उसे कह देना चाहिए। तो मैं ये समझती हूँ ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो आपकी भी लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं या समझते हैं तो प्लीज़ अगर उनके साथ आप चलना चाहते हैं तो उन्हें बताइएगा, नहीं तो उन्हें टाइम से पहले बताइएगा कि ऐसा ना हो कि उनके लाइफ जो है दिल ही दिल में कहाँ तक पहुँच जाए और आपका कुछ भी ना जाए। तो ओके, अगर मेरी इस बात पे है तो ये बात बहुत छोटी सी, लेकिन अगर समझी जाए तो बहुत बड़ी बात है। अगर मेरी इस बात पे अगर आप अमल करेंगे तो ये मेरे लिए सबका जारी है, और अगर आपकी बात पे कोई करेगा तो ये आपके लिए। तो सो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा इस पर अमल करने की, कमेंट्स में मुझे बताइएगा आपको मेरी ये बात कैसे लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।